तो दोस्तों आज हम अपग्रेड करेंगे HP 15। जी हाँ दोस्तों, इस HP 15 लैपटॉप में हम SSD और RAM अपग्रेड करेंगे। तो ये HP का लैपटॉप है, AMD। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या करना है। ये बैटरी हटा के हमने पीछे के लैपटॉप के सारे पेज खोल दिए हैं और हमने ये वीडियो बड़ा फास्ट में बनाया है, क्योंकि अगर हम स्लो में बनाते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ये रबड़ हटाने दोस्तों, दोनों हिंज के पास एक रबड़ होते हैं, इसको हटा के इसके नीचे भी पेच होते हैं, ये भी आपको निकालने हैं। ये डिविडेटर निकालना है दोस्तों। ये दोस्तों सबसे वीडियो में ध्यान से देखने लायक ये बॉडी होती है, इसको ध्यान से खोलना पड़ता है। इसके लिए एक टूल आता है, आप चाहें तो चक्कू या कोई पैनीची से खोल सकते हैं, लेकिन टूल से खोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसको ध्यान इसलिए रखना पड़ता है कि बॉडी का कोई अगर लॉक टूट गया तो ये बॉडी वापस फिट नहीं होगी। टूल का आगे का मुंह पतला और मजबूत होना चाहिए। ये हम स्टील का टूल काम में लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों रैम का स्लॉट है, इसमें ऑलरेडी 4GB लगी हुई है, हम 4GB और लगाएंगे। ये DVD राइटर है दोस्तों इसका, और ये हार्ड डिस्क है। तो रैम के स्लॉट में 4GB है, हम इसको 8GB करेंगे। तो दोस्तों हम ए डाटा की DDR4 रैम ले रहे हैं, इसकी कॉस्ट तकरीबन 1500-1600 रुपये के आसपास आती है। और SSD जो है 240GB क्रूशल ले रहे हैं, इसकी कॉस्ट तकरीबन 2400-2500 रुपये के आसपास आती है। ये दोस्तों हमने रैम फिट कर दिया इसके अंदर। अब हम जो प्राइमरी हार्ड डिस्क है उसको SSD बनाएंगे, और जो इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई थी उसको हम सेकेंडरी बनाएंगे। तो हमने क्या करा, ये हार्ड डिस्क जो इसके अंदर लगी हुई थी उसको हटा दिया है और उसकी जगह हमने SSD को फिट कर दिया है। और हार्ड डिस्क के साइड में जो एक केसिंग होती है उसको भी हमने खोल के और SSD को उसमें फिट कर दिया है। दोस्तों ये SSD फिट हो गई है। अब SSD को फिट होने के बाद ये हमने बैटरी लगा दी, अब हम इसमें रैम चेक करेंगे। इसमें रैम 4GB हमने बढ़ाई थी, पहले 4GB थी, 8GB शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये 8GB रैम शो कर रहा है, ये 8GB रैम आपके BIOS में दिखा रहा है, इसका मतलब रैम सक्सेस हो गई है। तो दोस्तों अब हम इसको पैक कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो ये पेज हमने वापस सारे ऐसे कैसे लगा दिए। ये दोस्तों कैडी कहलाती है, ये कैडी 200 रुपये के आसपास आती है। इसमें हमने जो अंदर से हार्ड डिस्क निकाली थी वो दोस्तों हमने इसमें फिट कर दिया। ये हार्ड डिस्क फिट हो गई, अब हम इसको DVD राइटर की जगह लगा देंगे। हमने इसका DVD राइटर निकाल दिया, वो किसी काम का नहीं। अब ये कैडी का शेप बिल्कुल वैसे होता है, ये हमने लैपटॉप में DVD राइटर में लगा दिया इसको। लॉक लगाया पहले, ये लॉक से ये कैडी बाहर नहीं निकलेगी। दोस्तों ये कैडी हो गई फिट। दोस्तों अब हम इसमें विंडो डालेंगे। विंडो डालने का प्रोसीजर जो है हमने इसमें दिखाया नहीं है, ये सारे लॉक पैक हो गए, विंडो डल गई। दोस्तों ये डेस्कटॉप आ गया। SSD आप चाहें तो और भी फास्ट लगा सकते हैं इसके अंदर। ये देखो दोस्तों ये डेस्कटॉप आ गया। अब इसमें माय कंप्यूटर में जाके हम चेक करेंगे, तो दोस्तों फर्स्ट वाली ड्राइव जो है वो 240GB SSD है, बाकी की ड्राइव जो इसमें ऑलरेडी विंडो